Myself, Dr. R.S. Luca, Assistant Professor Botany, Government Bilasa Girls PG Autonomous College, Bilaspur. Today, I am presenting lecture on photorespiration. बच्चों, आप सब वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी हैं और हमें ये पता है कि पौधों में विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल अपटेक, भोज्य पदार्थों का ट्रांसलोकेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। इस तरह से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पौधों में पाए जाते हैं, उनमें से एक प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि ये फोटो रेस्पिरेशन क्या है, उसका साइट क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है और इसका क्या महत्व है। तो आइए हम देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन क्या है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, लेकिन यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता है। यह अभिक्रिया फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशी श्वसन कहलाती है। साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, इसकी खोज टॉलबर्ट नामक साइंटिस्ट ने 1968 में किया और इन्होंने ये देखा कि फोटो रेस्पिरेशन की अभिक्रिया तीन प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में होती है, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन परऑक्सीजोम इसका मुख्य स्थल होता है। सोयाबीन, पीज, बीन्स, कॉटन, सनफ्लावर, पेडी, चिलीज और भी बहुत सारे ऐसे C3 प्लांट्स हैं जिनमें फोटो रेस्पिरेशन की अभिक्रिया पाई जाती है, लेकिन यह अभिक्रिया C4 प्लांट में नहीं होती है। इसी कारण C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये मैकेनिज्म जो है वो किस प्रकार से होता है। स्टेप इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में राइबोलोज डाइफॉस्फेट जो है वो ऑक्सीजन के साथ में राइबोलोज डाइफॉस्फेट ऑक्सीजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनाता है। इस अभिक्रिया में बना हुआ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो केल्विन साइकिल में चला जाता है और फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड पानी के साथ में मिलकर के फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन होता है और ग्लाइकोलिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड बनता है। क्लोरोप्लास्ट में ये बना हुआ ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड जो है अब पर ऑक्सीजोम में डिफ्यूज होता है और ये ग्लाइकोलेट पर ऑक्सीजोम में ऑक्सीजन के साथ में ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होता है और ग्लाइऑक्सैलिक एसिड या ग्लाइऑक्सैलेट बनता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। इस हाइड्रोजन परऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस होता है कैटेलेज एंजाइम की उपस्थिति में और पानी और ऑक्सीजन बनता है। परऑक्सीजोम में बना हुआ यही ग्लाइऑक्सैलेट वहां पर एल ग्लूटामेट के साथ में ट्रांस एमाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका ट्रांस एमिनेशन होता है और ग्लाइऑक्सिलेट एल ग्लूटामेट दोनों मिलकर के ग्लाइसिन और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनाते हैं। इस पर ऑक्सीजोम में बना हुआ ग्लाइसिन जो है अब माइटोकॉन्ड्रिया में डिफ्यूज होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लाइसिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में सेरीन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में बना हुआ सेरीन जो है वो पर ऑक्सीजोम में चला जाता है और पर ऑक्सीजोम में यही सेरीन जो है
वो सेरीन ग्लाइऑक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका ट्रांस एमिनेशन होता है और हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनता है। इसी परऑक्सीजोम में हाइड्रोक्सी पाइरुवेट जो है वो NADH2 के साथ में क्रिया करके हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका अर्थात हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का रिडक्शन होता है और ग्लिसरिक एसिड बनता है और NAD बनता है। पर ऑक्सीजोम में बना हुआ यही ग्लिसरिक एसिड अब क्लोरोप्लास्ट में डिफ्यूज होता है, वहां पर जाकर के ये ग्लिसरिक एसिड जो है वो ATP के साथ में ग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका फॉस्फोराइलेशन होता है और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ADP बनता है। यहाँ पर बना हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड केल्विन साइकिल के द्वारा पुनः फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का निर्माण करता है और इस प्रकार से फोटोरेस्पिरेशन की क्रिया संपादित होती है। अब हम देखेंगे कि इस फोटोरेस्पिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस या क्या महत्व होता है। एक्चुअली में ये फोटोरेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता है और चूंकि ये साइकिल राइबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज के ड्यूर्नल नेचर के कारण संभव होती है, अर्थात यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि राइबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमोस्फेयर में ज्यादा होता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेती, उस समय ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन जो है या ऑक्सीजन का अपटेक जो है पौधों के द्वारा नहीं किया जाता है और इस तरह से ये ड्यूर्नल नेचर होने के कारण ये एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को संतुलित बनाए रखने में सहयोग प्रदान करता है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में संपादित होती है, अर्थात यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि किस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी दिखाने का काम करती है और किस तरह से एक सेल से दूसरे सेल में पदार्थों का डिफ्यूजन जो है वो होता है। और यहाँ पर हमने ये देखा कि इस साइकिल में ग्लाइसिन और सेरीन जो है वो दो अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन और सेरीन अमाइनो एसिड जो है वो बनते हैं, तो ये साइकिल ग्लाइसिन और सेरीन अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में एक पाथ की तरह कार्य करता है। यहाँ पर फोटोरेस्पिरेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।